हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ जैफा खान और आज बात करेंगे एक ऐसे टैलेंट के ऊपर जिसको कहा जाए कि जनरेशनल टैलेंट है और वाकई वाकई जिसको कहा जाए कि टैलेंट है, क्योंकि हमारी टीम में अभी बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड टैलेंटेड प्लेयर भरे हुए हैं जिनकी बहुत ज्यादा बात की जाती है लेकिन उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं। लेकिन एक टैलेंट जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ उसको कहते हैं साइम अयूब, कराची से ताल्लुक के बाएं हाथ के प्लेयर। और साइम अयूब ने कायदे आजम ट्रॉफी के फाइनल में, इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 175 से ज्यादा रन कर दिए। और मसला ये था कि साइम अयूब को जब लेने की बात हुई टीम में तो ये जवाब पेश किया जाता था दोस्त यारों की तरफ से कि साइम अयूब की अभी बड़ी क्रिकेट के लिए तैयारी नहीं है। तो भाई मुझे आप ये बता दें कि अगर साइम अयूब बड़ी क्रिकेट के लिए तैयार नहीं है तो अब्दुल्ला शफी कैसे बड़ी क्रिकेट के लिए तैयार हो गए, जमान खान कैसे बड़ी क्रिकेट के लिए तैयार हो गए, और जो जो लड़के आपके आपके पसंद में होते हैं, आपके दोस्त यार होते हैं, वो बड़ी क्रिकेट के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन साइम अयूब बड़ी क्रिकेट के लिए तैयार नहीं होते। अब मैं अपने नादान दोस्तों के बताना चाहता हूँ कि पिछला जो सीजन हुआ था डोमेस्टिक का, उसके अंदर साइम अयूब ने वनडे के अंदर तकरीबन 400 रन स्कोर किए थे और वो टॉप 3 के अंदर फॉल कर रहे थे। फिर पीएसएल के अंदर उन्होंने रन किए, फिर वो कैरेबियन गए वहां पे रन किए और अब फिर वापस आके फोर डे क्रिकेट के अंदर रन कर रहे हैं। तो जहां उनको मौका मिल रहा है वो रन बना रहे हैं, जिस फॉर्मेट में उनको मौका मिल रहा है वो रन बना रहे हैं। और उनके शॉट देखें, मैं आज एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को आप देख लीजिएगा, याद रखिएगा कि जितनी स्टेटमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दी है वो सारी स्टेटमेंटें कामयाब भी हुई हैं, वो साबित भी हो गई हैं, चाहे वो बाबर के हवाले से हो चाहे वो दोस्त यारों के हवाले से हो। आज मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ये स्टेटमेंट प्रूव होगी इंशाल्लाह, वक्त बताएगा, क्योंकि हर किसी के अंदर क्रिकेट समझने की आदत नहीं होती। जो टैलेंट साइम अयूब के पास है, अगर उसको जाया नहीं किया गया, अगर उसको डोमिसाइल के फर्क से, जैसा पहले पाकिस्तान क्रिकेट में होता रहा है, बासित अली के साथ, फवाद आलम के साथ, सरफराज के साथ, आसिम मुश्तबा के साथ, या एक्स वाई जेड जो होता रहा है, अगर ये साइम अयूब के साथ नहीं हुआ, साइम अयूब का जो टैलेंट है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इमाम उलहक, अब्दुल्ला शफी को जितने दोस्त यार हैं वो साइम अयूब के आधे भी नहीं है। ये बात मेरी याद रखिएगा, मैं अपने एडिटर को भी बोलूंगा कि ये स्टार्ट में लगा दें, आधे भी नहीं है साइम अयूब के पास जितना टैलेंट है, उसके आधे भी नहीं है बाबर आजम, इमाम उलहक, रिजवान, अब्दुल्ला शफीक और दीगर लोग। तो इनसिक्योरिटी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत ज्यादा है, सिर्फ इस वजह से बाबर आजम एंड कंपनी जो है वो साइम अयूब को वर्ल्ड कप में नहीं लेके गए, क्योंकि अगर साइम अयूब वर्ल्ड कप में चला गया और उसने रन कर दिए तो ना सिर्फ इनके दोस्तों की छुट्टी होगी बल्कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो जून में होने वाला है उसमें बाबर और रिजवान की भी छुट्टी साइम अयूब करवा देगा। तो इस इनसिक्योरिटी की वजह से साइम अयूब को नहीं ले गए। जैसे मिसबाह और हफीज ने बता दिया कि अबरार को भी मैनेजमेंट कमेटी, टेक्निकल कमेटी बोलती थी कि आप ले जाएं, लेकिन वो नहीं लेके गए सिर्फ अपने दोस्तों को बचाने के लिए। इसी तरीके से अब्दुल्ला, इमाम और फखर को बचाने के लिए साइम अयूब की कुर्बानी चढ़ाई गई है, कुर्बानी दी गई है, वरना साइम अयूब इस वक्त बड़ी क्रिकेट के लिए न सिर्फ तैयार है बल्कि एक तैयार प्रोडक्ट है। मैं इतना बड़ा चैलेंज देता हूँ जितने क्रिकेट देखने वाले हैं, पसंद करने वाले हैं, क्रिकेट को समझते हैं, सोचते हैं, कि इस वक्त जो साइम अयूब की पिछली 10 इनिंग उठा लें वनडे के अंदर, मतलब लिस्टे के अंदर, कायदे आजम ट्रॉफी के अंदर, कैरेबियन लीग के अंदर और पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, उनकी आप वो लिस्ट उठा लें, उनकी बैटिंग उठा लें और उनके शॉट्स उठा लें, अगर उस पाए के शॉट पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई एक भी प्लेयर मारता हो ना, इस वक्त करंट टीम में कोई एक भी प्लेयर जो शॉट्स उनके पास हैं, नीचे खेलने हो, कट करना हो, पुल करना हो, लूप शॉट खेलना हो या 360 खेलना हो, ऐसे शॉट अगर किसी एक भी प्लेयर के पास हो ना, आप मुझे साबित कर दें कि यार ये प्लेयर, या डोमेस्टिक में भी आप कह दें कि कोई एक प्लेयर साइम अयूब के कैलिबर का है, कि जिस तरह के शॉट आप उसका कट देखें, उसका पुल देखें, उसके शॉट देखें, किस तरीके से वो खेलता है। चले आप एक मिसाल, एक डिबेट ओवर डिबेट, क्योंकि आपको पता है कि न सिर्फ खिलाड़ी, उन्होंने पूरी पूरी पेड एफसीज पाली हुई है, तो वो डिबेट ये करते हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ चांस दिया क्या दिया। भाई अफगानिस्तान के खिलाफ आपने चांस दिया शारजा के अंदर, शारजा की विकेट होती है स्लो, अफगानिस्तान के खिलाफ तो आपकी मेन टीम भी नहीं खेल पाती, उनके स्पिनर्स इतने खतरनाक है, तो आपने क्या समझ लिया कि 3 मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ आपने चांस दे के अपना काम पूरा कर दिया, उसमें भी साइम अयूब का 1.50 या 1.49 क्या है, उसके बाद आप न्यूजीलैंड सीरीज में उनको 4 नंबर पे ले गए, मतलब जिस खिलाड़ी का जो जो गेम है, जो उसकी बैटिंग का अंदाज है, आप वो सब कुछ छोड़ दो, उसको बोले यार आप 3 या 4 पे खेलो, तो ये आप ज्यादती कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जीतने अभी भी टाइम है, गैरत कर लें, वो तमाम लोग जो फैसले करते हैं, वो तमाम लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर हावी हुए, उनको मैं कह रहा हूँ कि शर्म कर लें, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के मुल्क के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ नहीं खेलें। इस कौम के पास सिर्फ एक चीज़ रह गई है क्रिकेट, जिससे वो लोग खुश होते हैं, आप अपनी दोस्ती यारी के चक्कर में उसको जाया मत करें। अभी 6 महीने T20 वर्ल्ड कप में, अब दिसंबर के बाद न्यूजीलैंड ने मेरे ख्याल से आना है T20 सीरीज के लिए, जितने मैचेस हैं उसमें साइम अयूब को एज अ ओपनर खिलाएं,
आप T20 वर्ल्ड कप में साइम की परफॉर्मेंस देखिएगा। अगर नहीं खिलाएंगे, वही बाबर और रिजवान को खिलाते रहेंगे, तो आप T20 वर्ल्ड कप में जीत पाएंगे, बल्कि आपका वही हाल होगा जो इस वर्ल्ड कप में होगा। तो गैरत कर लें, शर्म कर लें, मुल्क का सोचें, अपने दोस्तों यारों का नहीं सोचें। साइम अय्यूब इस वक्त दो फॉर्मेट में, एटलीस्ट ODI में और T20 में, पाकिस्तान का फर्स्ट चॉइस ओपनर है। आप खिला लेंगे, पाकिस्तान को फायदा मिलेगा, नहीं खिलाएंगे इसी तरह जो आज हो रहा है, क्योंकि रिजवान भाई ने कहा था कि जो मुखलिस नहीं होगा वो जलील होगा। मैं नहीं कह रहा पाकिस्तान जलील हो रहा है, लेकिन हालात आपको खुद पता है।